एक्सपर्ट एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का आज फिर नए लेक्चर में स्वागत है। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों से सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में था, कि कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री क्या होती है और होमोलोगस सीरीज क्या, होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी क्या है। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप एक तरह का रेजिड्यू है, पार्शियल फॉर्म है एल्केन का। जब बच्चों किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है तब एल्काइल ग्रुप बनता है। तो एल्काइल ग्रुप एक तरह का रेजिड्यू ऑफ द एल्केन है विच ऑब्टेन आफ्टर रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। आप देखिए एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो बच्चों बनेगा एल्काइल ग्रुप। जैसे CH4 मीथेन होता है बच्चों, अगर CH4 से एक हाइड्रोजन एटम निकल जाए तो ये बन जाएगा CH3 बेटा। क्या बनेगा? CH3। इसको बोलेंगे मिथाइल। एल्काइल ग्रुप के नेम के लिए क्या करते हैं बच्चों? एल्केन के क्या करेंगे? ANE को हटा देंगे और उसके प्लेस पर YL लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों एल्किल। जैसे देखिए मीथेन ANE को हटाया, YL लगा दिया, मिथाइल। अब दूसरी बात समझिएगा, एल्केन में कार्बन की अग्रेसर स्टेट होती बेटा sp3, एल्काइल में कार्बन की अग्रेसर स्टेट होगी बेटा sp2। तो जब कोई एल्केन एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा उसकी एवरेजर स्टेट चेंज होगी। सारे कार्बन की एवरेजर स्टेट नहीं चेंज होगी बच्चों, जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा उसकी एवरेजर स्टेट चेंज होगी। और क्या चेंज होगी? sp3 से बच्चों हो जाएगी sp2। दूसरी बात, एल्केन का आपने फॉर्मूला पढ़ा है CnH2n+2 होता है, तो एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? CnH2n+1। फॉर्मूला भी चेंज होगा। एल्केन का फॉर्मूला होता बच्चों CnH2n+2, तो एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता बच्चों CnH2n+1। तो पहली बात फॉर्मूला आपने सीखा क्या होगा, दूसरी बात इज एनी चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन एस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव चेंज sp3 to sp2। हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी sp3 से sp2 हो जाएगी बच्चों। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, बात समझ आ गई, इतना नोट करिए इसको। आप देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा कि किसी भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा तो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा, जैसे आपने देखा मीथेन से मिथाइल। आप देखो बच्चों, जैसे इथेन है, अगर इथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो ये हो जाएगा बेटा इथाइल। इथेन से एक हाइड्रोजन एटम के रिमूवल के बाद जो एल्काइल ग्रुप बनेगा उसका नाम होगा इथाइल। अब मैंने आपसे कहा कि जब एल्केन से बच्चों एल्काइल बनता है तो कार्बन की एग्रेशन स्टेट भी चेंज होती है, लेकिन किस कार्बन की एग्रेशन स्टेट चेंज होगी ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखिए यहां पर एल्केन 2CH3, यहां पर भी कार्बन की एवरेशन स्टेट sp3, इस कार्बन की भी sp3। आपको मालूम है इस कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड है, इससे भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इन दोनों कार्बन की एवरेशन स्टेट sp3 होगी। आप देखो बच्चों, ये जो CH3 है इसकी भी एवरेशन स्टेट sp3 होगी,
लेकिन जो CH2 हो गया, नाउ इट्स हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज, इट बिकम sp3 टू sp2। तो किस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज होगी बच्चों? उसकी चेंज होगी जिससे हाइड्रोजन रिमूव होगा। ऐसा नहीं कि किसी अल्काइल ग्रुप में चार कार्बन है तो चारों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हो जाएगी, sp3 से sp2 हो जाएगी। नो, केवल और केवल उसी कार्बन की हाइड्रोजन स्टेट चेंज होगी बच्चों जिस कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो ये क्लियर हो गया। आपने देखा मीथेन से मिथाइल बना, ईथेन से इथाइल बना। लेकिन बच्चों अगर प्रोपेन हो तो क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगर बच्चों प्रोपेन हो तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर कंफ्यूजन होता बच्चों को। ये है प्रोपेन, प्रोपेन को आप ऐसे भी लिख सकते हो C3H8। अब आपने इसे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, ये हो गया C3H7। प्रोपेन आपने कहा साहब एक हाइड्रोजन निकल गया तो प्रोपाइल बन गया। लेकिन जरा गौर से समझिएगा इस बात को, ध्यान से, आगे आपको नेवी में अभी से लेकर आगे तक दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। C3H7 को हम दो तरीके से लिख सकते, जैसे ये प्रोपेन है तो प्रोपेन ऐसे होगा CH3 CH2 CH3। अब ये प्रोपाइल बना तो ये दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो CH3 CH2 CH2, माने फर्स्ट केस में जो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ वो 1 डिग्री कार्बन से हुआ। दूसरा देखिए, आप इसको लिख सकते हो CH3 CH CH3। अब अगर हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से निकला तो उसको बोलेंगे बेटा टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी, इसको शॉर्टकट में TRT लिखते हैं या स्मॉल TRT लिखते हैं। अब जरा देखना ये टर्शियरी आप लोग लिखे हो, ये कहीं कहीं पर नियो ब्यूटाइल भी लिखा मिल सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर किसी कार्बन, एक कार्बन से 3 CH3 जुड़े हो, 1 2 3 CH3, तो दैट इज नियो, ठीक है। तो आपने देखा कि ब्यूटेन के 3 अल्काइल ग्रुप होंगे, एन ब्यूटाइल या सिंपली ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल। तो ये बच्चों का अल्काइल ग्रुप का मैंने इसको नोट कर लिया। आप लोग सिंपल बताया कि जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा तो जो उसका रेजिड्यू बनेगा उस रेजिड्यू को बोलेंगे एल्काइल ग्रुप। अब हम लोग देखेंगे बच्चों आज के इस लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो देखिए, दोज एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स ऑन विच केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेटा केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। जैसे सपोज राजेश, आगे उसके लिखा गया राजेश शुक्ला, राजेश यादव, राजेश सिंह, राजेश जो है जाटव। तो आप बताइए, राजेश एक ही है लेकिन सिंह, यादव, शुक्ला, मिश्रा, जाटव लगने से उसके यहां का कल्चर चेंज हो जाएगा, सबके यहां का रीति रिवाज अलग होता है। उसी तरह से ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं उन्हें हम लोग बच्चों बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्लियर होगा? अब अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं जो कि उस कंपाउंड के
नेचर को डिसाइड करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिख देता हूँ, मेन जो फंक्शनल रूल्स है, बाकी आपको पीडीएफ अटैच कर दी जाएगी इसके साथ फंक्शनल रूल की। देखो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फंक्शनल ग्रुप एंड उनके लिए सफिक्स कर लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा सी डबल ओ एच, या इसको ऐसे लिखते हैं सी ओ ओ एच। इसके लिए सफिक्स कोई एसिड लगता बेटा, इसके लिए जो सफिक्स लगेगा बच्चों वो लगेगा कोई एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा बेटा है एल्डिहाइड्स, इसके लिए फंक्शनल ग्रुप है सी एच ओ या सी ओ एच। इसके लिए जो सफिक्स लगेगा बेटा वो लगेगा अल या फिर या कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा बेटा कीटोन, फंक्शनल ग्रुप सी ओ या सी ओ ऐसे लिख दो। इसके लिए सफिक्स होगा बेटा ओ एन ई ओन। तीसरा बेटा है एल्कोहल्स, फंक्शनल ग्रुप बेटा ओ एच, सफिक्स लगेगा बेटा और। फिर है इसके बाद है बेटा तुम्हारा एमीन, फंक्शनल ग्रुप एनएच टू। इसमें एमीन की कई डिग्री होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, वो जब नेमिंग कराएंगे तो डिटेल बताएंगे आपको। इसके लिए सफिक्स लगता बेटा एमीन। फिर है बेटा एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, फंक्शनल ग्रुप बेटा सीओ एनएच टू, या इसको ऐसे लिख सकते हो सीओ एनएच टू। इसके लिए एमाइड जोड़ा जाता है सफिक्स। फिर है बेटा एसिड हैलाइड, सीओ एक्स या सीओ एक्स, यहां पर एक्स का मतलब बेटा सीएल या बीआर।